हेलो एवरीवन, आज है 26 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, 70 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। आज हल्की सी तेजी जरूर आई थी, लेकिन बाद में शेयर में गिरावट आ गई और एंड ऑफ द डे ये जितने के ऊपर क्लोज ओपन हुआ था उतने के आसपास ही क्लोज हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वाकई में टाटा मोटर्स एक अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है कि नहीं, क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा मोटर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 70 रुपये उसका प्रीवियस क्लोज था, ओपन अच्छे प्राइस पर 71 के ऊपर ओपन हुआ। उसके बाद देखिए फिर से गिरा, फिर ऊपर आया, फिर गिरा, फिर ऊपर आया, फिर गिरा, फिर ऊपर आया और जहां था वहीं पे क्लोज हुआ है। पिछले एक महीने में टाटा मोटर्स 51% तक गिरा है और आप देख सकते हैं कि 150 रुपए के आसपास से का हाई था, 68 रुपीज तक का लो है और ऑलमोस्ट ये गिर रहा है, अभी भी गिर रहा है। अभी भी ऐसी कोई ऐसी बड़ी तेजी नहीं आई है कि जिससे कह सके कि भैया शेयर एकदम से बाउंस बैक हो गया, ऐसा नहीं हुआ। देखिए गिर ही रहा है अभी भी। पिछले एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में टाटा मोटर्स का जो शेयर है उसमें 59% तक की गिरावट देखने को मिली, 235 रुपए तक का हाई था, बहुत बड़ी गिरावट आई। उसके बाद तेजी आ गई, ठीक है, उसके बाद बढ़िया तेजी आई थी। रीजन ये था कि भैया न्यूज आई थी कि जैगुआर जो है वो वापस से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए कि यहाँ जब भी हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो हमें जैगुआर लैंड रोवर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो भी टाटा मोटर्स के अंडर में ही आ रही है, टाटा मोटर्स ने उसको खरीदा हुआ है। तो अगर जैगुआर फेल हो रहा है, जैगुआर अगर पैसा नहीं कमा पा रहा है, तो टाटा मोटर्स को जो पैसा है वो अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। आप खुद देखिए शेयर में गिरावट आ गई, 110 रुपए तक शेयर पहुंचा, बाद में तेजी आ गई क्योंकि रिपोर्ट्स आई थी कि भैया जैगुआर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद जो गिरावट आना शुरू हो गई उसका रीजन ये कि देखिए कोरोना की वजह से पूरा का पूरा ग्लोबली मार्केट शटडाउन है और जैगुआर की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो जैगुआर का जो सबसे बड़ा कोर बिजनेस है वो चाइना और यूरोपियन कंट्रीज है। चाइना में कोरोना ने पहले से बर्बाद कर दिया था, शेयर में काफी ज्यादा गिरावट आ गई और बाकी जो सहा था वो यूरोपियन कंट्रीज में। अभी भी चाइना में चलो अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ भी गया है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में अभी भी कोरोना की जो दहशत है वो बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं और इवन इंडिया में भी अभी वो आ चुका है। काफी सारे जो प्लांट्स हैं, चाहे हम टाटा मोटर्स की बात करें या जगुआर लैंड रोवर की बात करें, काफी सारे जो प्लांट्स हैं इनके बंद पड़े हुए, प्लांट्स बंद पड़े हैं, काम हो नहीं रहा है, गाड़ियों की बिक्री हो नहीं रही है, लॉकडाउन की सिचुएशन है। तो वहां पर आप खुद समझ सकते हैं कि अगर लॉकडाउन की सिचुएशन है जहां पर ना प्रोडक्शन हो रहा है ना ही सेलिंग हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा यहाँ पर। और तो और आप देखिए 21,600 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप स्टॉक है। एनएसई में देखेंगे तो 6 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड जरूर देखने को इसका मिला है। दिसंबर क्वार्टर के नतीजे बढ़िया थे इनके, अच्छे में मानता हूँ, क्योंकि इससे पहले के नतीजे अगर हम देखेंगे तो भैया नुकसान में थे ये लोग। पिछले साल तो तकरीबन तकरीबन 27,000 करोड़ का लॉस बुक किया था, क्योंकि और ये जो लॉस था ना वो 28,000 करोड़ का लॉस सिर्फ और सिर्फ जेएलआर का था, जैगुआर का 28,000 करोड़ का लॉस था। इसकी वजह से टाटा मोटर्स ने 27,000 करोड़ का लॉस किया था। सितंबर में 216 करोड़ का लॉस किया, उसके बाद 1,740 करोड़ का लॉस प्रॉफिट बुक किया है दिसंबर में, तो ये अच्छा है यहाँ पर। और इसी की वजह से शेयर में एक तेजी देखने को मिली थी हमें उस वक्त। शेयर होल्डिंग की बात करें तो देखिए प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, 38.37% की जो होल्डिंग थी वो बढ़कर 42.39, प्रमोटर ने बहुत बड़ी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। FIs के पास 18.32% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 7.29% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.36% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 24.24% की होल्डिंग है, प्रमोटर के द्वारा ऑलमोस्ट 4% की होल्डिंग गिर भी है। 45 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है यहाँ पर, 516 FIs ने पैसा लगाया है और प्रमोटर विथ हाइएस्ट होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है जिनके पास 39.52% की होल्डिंग है। पब्लिक हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो सिटी बैंक एंड न्यूयॉर्क है जिनके पास 10.54% की होल्डिंग है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.31% के आसपास है। हालांकि एक ड्रॉबैक जरूर है कि कंपनी बढ़िया है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। 2016 में लास्ट डिविडेंड दिया था वो भी 10% का, 20 पैसा पर शेयर का दिया था, उसके बाद डिविडेंड नहीं दिया इन्होंने। और लेटेस्ट जो एक चीज निकल कर आ रही टाटा मोटर्स की वो ये है कि भैया मूडीज इनकी जो रेटिंग्स है उसको डाउनग्रेड कर सकता है, उनको डाउनग्रेड कर सकता है। देखिए मूडीज इन्वेस्टर सर्विस हैज प्लेस द रेटिंग ऑन टाटा मोटर्स ऑन रिव्यू
फॉर पॉसिबल डाउनग्रेड। तो देखिए डाउनग्रेड कर सकता है, ऐसा नहीं कि डाउनग्रेड की है उन्होंने, उसको अंडर रिव्यू में डाला है कि डाउनग्रेड करनी है कि नहीं। द रिव्यू विच विल बी कंप्लीटेड ओवर द नेक्स्ट 90 डेज। देखिए आने वाले 90 दिन में ये जो रिव्यू है वो खत्म होगा, और द आउटलुक ऑन द रेटिंग अंडर रिव्यू हैज बीन रिवाइज फ्रॉम नेगेटिव। वी एक्सपेक्ट टू कंक्लूड द रिव्यू विद इन 90 डेज बेस्ड ऑन अ रिव्यू ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन द ऑपरेशन ऑफ टाटा मोटर्स, इंक्लूडिंग सप्लाई चेन इम्पैक्ट ऑन डिमांड ऑन क्ली ग्लोबल मार्केट एंड गवर्नमेंट कंटिन्यूमेंट मेजर इंक्लूडिंग सम गवर्नमेंट सपोर्ट एज वेल एज लिक्विडिटी प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पर 90 दिन का टाइम इसीलिए यहाँ पर है कि देखो कोरोना की वजह से टाटा मोटर के जो ऑपरेशनल है, क्योंकि डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसमें क्या क्या चीजें सामने आएगी, मतलब जिसमें इंक्लूड किया जाएगा इनकी सप्लाई चेन को कि भैया सप्लाई हो रही है कि नहीं, इम्पैक्ट ऑन डिमांड इन ग्लोबल मार्केट, और देखिए ग्लोबल मार्केट में जो डिमांड है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना की वजह से, क्या इसे डिमांड कम हुई है ज्यादा हुई है, और गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीज में क्या क्या मेजरमेंट लिए जा रहे हैं कि भैया इन दिक्कतों को कंट्रोल में लिया जा सके, और तो अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट किया जा रहा है ये भी यहाँ पर होगा, और तो और इनकी जो लिक्विडिटी प्रोफाइल है, मतलब भैया कंपनी के पास मैनेजमेंट के पास चलाने के लिए पैसा है भी कि नहीं, वो सारी चीजें भी यहाँ पर मेजर की जाएगी, और उसके बाद ये इसको रखेंगे भैया कोई भी रेटिंग में रखेंगे कि भैया किस तरीके की रेटिंग है, पॉजिटिव है नेगेटिव है या फिर कितनी डाउनग्रेड करनी है, वो उसके बाद डिसाइड होगा। ऑन द रेशनल फॉर द पॉजिटिव डाउनग्रेड मूडीज सिटेड द रैपिड वाइंड अप स्प्रेड कोरोना वायरस आउटब्रेक, और देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक देखिए, तो काफी सारी चीजें हैं जिसको मेजर किया जाएगा, और सिर्फ टाटा मोटर से नहीं, बहुत सारी कंपनियों के लिए भी ये सारी चीजें लागू होने वाली है। यहाँ पर अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स की टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी भी उतनी खास अच्छी नहीं है, और तो और 70% लोग खरीदारी के लिए बोल रहे हैं, 21% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, और तो और देखिए उतना ज्यादा बड़ा कर्जा नहीं है, 17,500 करोड़ का कर्जा है इनके ऊपर, हालांकि कंपनी जो है वो पैसा उतना ज्यादा नहीं कमा पा रही, लेकिन उसके बावजूद ये कर्जा उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, टाटा मोटर्स और JLR की जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत बड़ी है यहाँ पर, तो इसीलिए एक पॉजिटिव वे में यहाँ पर जरूर है। तो सबसे बड़ा सवाल कि भैया फिर क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स में, तो देखो मैं यही कहूंगा कि अगर आपने खरीदारी की है और आप लॉस में है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स, बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है जिसके पास टाटा मोटर्स और JLR दोनों का सपोर्ट है, ठीक है, तो बहुत बड़ी कंपनी है मैं मानता हूं, तो अगर गिरावट आई भी है तो मुझे लगता है कि शेयर रिकवर कर जाएगा, डेफिनेटली ये शेयर रिकवर कर जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन रिकवर कर जाएगा, इसीलिए मैं ये कहूंगा कि भैया लॉस में निकलने का कोई फायदा नहीं है, लॉस में निकलने का कोई फायदा नहीं है, उससे बेहतर यही है कि आपने खरीदा है तो बने रहे, लेकिन हाँ अगर आपने शेयर नहीं खरीदा है, अगर आपने शेयर नहीं खरीदा है तो हाल फिलहाल में खरीदारी ना करें, हाल फिलहाल में खरीदारी ना करें। रीजन ये है कि कोरोना अभी की अगर हम बात करें तो चाइना में डेफिनेटली कंट्रोल में आ चुका है, चाइना में हो सकता है कि बहुत जल्दी इनके मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है वो शुरू भी हो सके, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में अभी भी कोरोना ठीक से कंट्रोल में नहीं आया है, और इंडिया में भी हम सब जानते हैं कि भैया 21 दिन का लॉकडाउन है, 21 दिन के बाद कंट्रोल में होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो किस तरीके से मेजरमेंट लिए जाएंगे उसके बारे में भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है अभी हाल फिलहाल में, और इवन बाकी कंट्रीज में भी, तो मैं यही कहूंगा कि अभी हाल फिलहाल में पैसा ना लगाएं, क्योंकि देखिए शटडाउन की सिचुएशन है, बिजनेस हो नहीं रहा है अभी, ठीक है, और तो और इनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो बंद पड़े हैं, सेलिंग अभी नहीं हो रही है, पैसा हम कह सकते हैं कि कंपनी अभी तो पैसा नहीं आ रहा है इनके पास, तो बेटर यही होगा कि वेट करेंगे तो ज्यादा और सस्ता हो सकता है और बॉटम इसके बन सकते हैं, तो अभी खरीदारी ना करें तो बेहतर होगा। और दूसरी बात ये कि जब पूरी दुनिया अगर कोरोना से बाहर आ भी जाती है तो इकोनॉमी को कितना बड़ा डेंट करती है, क्या उसके बाद लोगों में
लोगों के पास उतना पैसा रहता है कि नहीं कि वो ऑटोमोबाइल जैसी बड़ी चीजों में खरीदारी करें, क्योंकि इससे पहले डेफिनेटली लोग कार नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि कह रहे थे कि बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था इंडिया, लोग गाड़ियां नहीं खरीद रहे थे। तो वो भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। तो मैं ये कहूंगा कि भैया जल्दबाजी ना करें, ये मैं मानता हूँ कि टाटा मोटर्स बहुत बढ़िया और अच्छी क्वालिटी का शेयर जरूर है, और डेफिनेटली अगर ये शेयर आपको और सस्ते दाम पे मिलता है, जैसे कि मानिए कि अगर आपको ये 50 से 55 रुपए के आसपास अगर मिल जाता है, तो शायद अच्छी बाइंग आपके लिए हो सकती है, लेकिन तब तक तो आप खरीदारी ना ही करें तो बेहतर होगा। अगर आप बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो आप SIP मोड में खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन छोटी क्वांटिटी ही लगाएं, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। और खरीदा है और लॉस में हो तो बने रहे, पैनिक करने की भी जरूरत नहीं है। तो वीडियो यहीं पे एंड करूंगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।